जैन साथियों, आज लेखपाल का परीक्षा तिथि जारी हो चुका है और उसके बाद सबसे बड़ा प्रश्न और सवाल आ रहा है कि कौन कौन इस भर्ती परीक्षा में हिस्सा ले सकता है, कौन कौन आवेदन करेगा, आखिर कितने नंबर वाले, कितने अंक वाले, कितने कट ऑफ वाले, माने पेट में कितने अंक थे जिसके आधार पर आगामी भर्ती परीक्षा दे सकते हैं, कितने पदों पर भर्ती होगी, कौन कौन सी किताबें बेहतर होंगी, क्योंकि अब की बार एक सीट हमारे के लिए उतना आसान नहीं जितना हम और आप समझते थे। नौकरी धीरे धीरे दिन प्रतिदिन कठिन होती जा रही है और कंपटीशन बढ़ता जा रहा है। 100 प्रश्न होंगे, मेरिट कितनी जा सकती है और आपका परफॉर्मेंस क्या था। कुछ अभ्यर्थी ऐसे थे जो लगातार लेखपाल की तैयारी करते आ रहे थे, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी थे जिन्होंने बीच में गैप कर दिया था, लेकिन उनके लिए तो ट्रेनिंग ही रोक, लेकिन जो लगातार पढ़ते जा रहे थे, जो लगातार मेहनत कर रहे थे, उनके लिए धीरे धीरे अब ये जो लेखपाल की परीक्षा तिथि आ गई है, यह उनके लिए संजीवनी काम करेगी। अब सवाल ये है, कितने कम समय में, लगभग आपके पास 50 से 60 दिन बचते हैं, 60 दिनों में आप तैयारी करेंगे, रिवीजन करेंगे या अपने तथ्य को मजबूत करने का प्रयास करेंगे, तो इसके लिए आपके पास क्या रणनीति है और हम आपके लिए क्या लेकर आ रहे हैं। इसके साथ साथ हम आपके लिए कुछ बड़ी मैराथन क्लास भी कंडक्ट करेंगे ताकि आपके कम समय में बेहतर तैयारी हो सके। जो क्लासेज हम परीक्षा के समय, माने जब परीक्षा सर पर होती है, जिन क्लासेज का हम लोग उपयोग तब करते हैं कि परीक्षा चंद दिनों बाद होनी है, मैराथन, उसी तरह के मैराथन की अभी से आपको जरूरत पड़ेगी। हम उन सॉलिड टॉपिकों को पढ़ें जहां से आपके परीक्षा में बार बार सवाल आते हैं। लेकिन हम अपने मुद्दे पर वापस आते हैं कि कितने कट ऑफ, कितने अंक वाले, कितने परसेंटाइल वाले इस भर्ती में सम्मिलित हैं। तो देखिए, माननीय सरकार की तरफ से अभी इस प्रकार का कोई भी स्पष्ट नहीं किया गया है कि कितने परसेंटाइल के लोग इस आगामी लेखपाल भर्ती परीक्षा में सम्मिलित होंगे, कौन 19 जून की परीक्षा में जाएंगे, कितने पदों पर भर्ती होगी। अलग अलग यूट्यूब चैनल के माध्यम से अलग अलग लोग इसके राग अलाप रहे हैं, लेकिन अभी तक माननीय सरकार की तरफ से, UP SSC की तरफ से कोई भी प्रकार से स्पष्ट नहीं किया गया, अधीनस्थ लोक सेवा जो आयोग है उसके तरफ से अभी कोई भी स्पष्ट सूचना नहीं आई है। और जब सूचना नहीं आई है, इसका मतलब आप सभी इसके प्रबल दावेदार हैं और अपनी तैयारी जोरों पर करिए। ये माना जा रहा है कि लगभग 8 से 9 हज़ार पदों पर भर्ती हो सकती है, क्योंकि लगभग सभी जिलों से माननीय मुख्यमंत्री जी का भी एक कहीं न कहीं एक सहयोग कह सकते हैं, या उनकी खुद की इच्छा है कि हम एक निश्चित डेट, एक निश्चित तय समय में हम बेरोजगारों के लिए रोजगार सृजन करें और यथाशीघ्र परीक्षाएं कराएं और पूरी पारदर्शिता हो परीक्षा में। जिस प्रकार से माननीय सरकार फॉर्म में है, इससे स्पष्ट है कि परीक्षा आपकी निश्चित तिथि को हो जाएगी। इसके साथ साथ कई अन्य भर्तियों का भी ऐलान हुआ, जैसे इसमें लोअर पीसीएस की पद बहुत कम है, लेकिन लोअर पीसीएस भी आ गया है और नोट्स, देखिए नोट्स आपको मिल जाएगा घर बैठे, आप लोग उसके लिए परेशान ना हो, हमें प्रयास करेंगे आप लोग नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। उसके साथ साथ अगर हम लेखपाल की बात करें तो लेखपाल का न परसेंटाइल क्लियर है, न पद संख्या, कौन आवेदन कर सकता, अभी हाल फिलहाल तक लोग सभी आवेदन कर सकते हैं, लेकिन लगभग ये माना जा रहा है कि 50% के जितने ऊपर परसेंटाइल वाले हैं वो आवेदन कर सकते हैं, ये संभावना है। अभी क्या होगा, ये वेबसाइट के माध्यम से अधीनस्थ लोक सेवा आयोग के द्वारा स्पष्ट कर दिया जाएगा। एक और सवाल आपके मन में आ रहा है कि सर कौन सी किताबें पढ़ें, इसके लिए हम एक एक अलग अलग रिव्यू वीडियो बना के दे देंगे आपको कि कौन कौन सी किताबें आपको पढ़नी है, कौन सी किताबें लेखपाल के लिए सबसे बेस्ट होंगी, क्योंकि समय कम है, अब आपको रिविजन करना होगा, उसके साथ साथ नोट्स आपके लिए कितना किफायती, कितना महत्वपूर्ण होगा, समय कम है, तो काम ये करिएगा कि जो मार्केट में, जैसे अगर हम ग्राम विकास की बात करें, ग्राम विकास में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ग्राम विकास और समाज 25 नंबर का है, गणित में, गणित को करिएगा केवल रिवीजन पर, क्योंकि गणित अब आपके पास समय कम है, कि गणित को अगर आप चाहे पढ़ें और पढ़कर स्कोर करें तो मुश्किल है, अब ज़्यादा से ज़्यादा गणित प्रैक्टिस करिए, 60 दिन आपके पास बचा है, ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस पर फोकस करिए। दूसरा, हिंदी की बात करें, हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है और यह जिनका गणित वीक होगा वो सबसे ज़्यादा स्कोर, मतलब 25 में 25 स्कोर करने का टारगेट रखेगा, 24-23 हो जाए तो हिंदी के लिए भी रिवीजन करिए, क्योंकि हिंदी आपने बहुत बार पढ़ लिया होगा, तो आप हिंदी को केवल केवल रिवीजन करिएगा जितना ज़्यादा हो सके। और मैटर कहाँ कहाँ से मिलेगा उसके लिए आप चाहें तो इलर्निंग विद दुर्गेश का ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, जो प्ले स्टोर पर है, मेरी इंस्टॉल क्लासेज भी चलती हैं और भी क्लासेज इलर्निंग विद दुर्गेश पर है, लेकिन साथ ही साथ घर बैठे आप पूरा नोट्स भी मंगा सकते हैं, जिससे अपनी तैयारी को और बेहतर कर सकते हैं, क्योंकि उसमें चीज़ें कम में और वही चीज़ें दी गई जहाँ से परीक्षा में सवाल आते हैं। लेखपाल के बाद अगर हम बात करें, हिंदी हो गया, GS के जो सबसे बड़ी स्कोरिंग है और ज़्यादातर अभ्यर्थियों का ही वीक जोन है, खुद का भी, मेरा भी वीक जोन है, क्योंकि ये इतना बड़ा इसका दायरा हो सकता है, इतना बड़ा दायरा होता है कि कोई ये कह दे कि मेरी तैयारी पूरी हो गई है, मेरा GS कंप्लीट हो गया है, तो काफ़ी मुश्किल है, कि क्योंकि कभी तैयारी पूरी होती नहीं, GS खुद ही अपने आप में ब्रॉड है। यूपी स्पेशल है, तो यूपी स्पेशल की वीडियो आपको मिल जाएंगी, क्रमवार रूप से डे बाई डे आपको मिल जाएंगी, इसके लिए भी आपको परेशान नहीं होना है, बस आपको अपने आप को अपडेट रखना, अपना बेस्ट देते रहना है, और क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार करना, ये सभी नोट्स, जैसे हम बात करें मैथमेटिक्स की रिवीजन करना, लेकिन तभी आपको नोट्स मिल जाएगी, वैसे रिवीजन करने के लिए प्रैक्टिस एड मार्केट से लीजिएगा। दूसरी सबसे बड़ी है GS GK के संपूर्ण नोट्स आपको मिल जाएंगे, ग्राम विकास और
ग्राम समाज का नोट्स आपको मिल जाएगा, हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, उत्तर प्रदेश स्पेशल के नोट्स मिल जाएंगे, विज्ञान सामान्य विज्ञान उसके नोट्स मिल जाएंगे, हिंदी के नोट्स मिल जाएंगे, विविध के नोट्स मिल जाएंगे। करंट मार्केट से आप स्पीडी किताब ले लीजिएगा, पढ़िएगा, वहाँ से आप अच्छा और बेहतर स्कोर कर सकते हैं, और उससे बेहतर मुझे नहीं लगता मार्केट में और कोई किताबें होंगी, खासकर हम लेखपाल परीक्षा की बात करें तो। तो इस तरह से हम लोग एक एक करके क्रमवार रूप से हम सिलेबस का भी एक वीडियो बनाएंगे, और सिलेबस के आधार पर ये भी देखेंगे कि किस किस टॉपिक से कहाँ कहाँ से कितने प्रश्न आ सकते हैं और कौन सी किताब आपके लिए बेहतर और बेस्ट होगी। तो इसके बाद हम एक एक दिन में एक एक वीडियो देंगे एक एक सब्जेक्ट का। मैं पिछले 6-7 दिनों में लगभग संपूर्ण जो उसका पाठ्यक्रम है उस पर फोकस करके एक वीडियो दे दूंगा, क्योंकि ग्राम विकास के जो है डेटा आपको नया रखना होगा, यूपी स्पेशल से भी होगा उसमें, और प्रमुख माननीय सरकार की योजनाएं होंगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की योजनाएं होंगी, और आपके जो लेखपाल बनने के जो मुख्य कर्तव्य होते हैं काम होते हैं उनका भी जिक्र किया गया होगा, ये सारी चीज़ें होंगी। इसके अलावा यदि आपको ये लगता है कि आपके पास समय कम है और आप तैयारी और बेहतर करना चाहते हैं, उसके लिए इलर्निंग विद दुर्गेश की तरफ से आप नोट्स प्राप्त कर सकते हैं। नीचे लिंक भी चल रहा होगा, ये नोट्स के लिए भी आप लेखपाल का प्राप्त कर सकते हैं, और ये जनपद जौनपुर से है, अगर आप जौनपुर से हैं तो प्राप्त कर सकते हैं घर बैठे नोट्स। प्रैक्टिस सेट भी आपको मिल जाएगी, प्रैक्टिस सेट बहुत सारे आपके पास भी होंगे, प्रैक्टिस सेट पर भी फोकस करिए और अपना बेस्ट देते रहिएगा, क्योंकि दे दनादन अब लगाइए, हर गेंद पे छक्के लगाइए, क्योंकि यह आपके लिए मौका है। क्योंकि लेखपाल परीक्षा देने के बाद आप अपने परिजनों अपने समाज से क्या कहेंगे, पद कम था, तैयारी नहीं पूरी हो पाई, हम पढ़ नहीं पाए थे, अचानक से परीक्षा का डेट आ गया, मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। क्योंकि इस समाज को केवल केवल आपके सफलता से मतलब है, आपने कितना अंक अर्जित किया, आपके साथ क्या समस्या हुई, आपको एमआर गलत हो गया, क्या दिक्कत हो, उससे कोई मतलब नहीं, उसको बस एक बात से मतलब है, आपकी सफलता से, आपके लेखपाल बनने से। इसलिए आप अंतिम सांस तक, अपनी परीक्षा के अंतिम सेकेंड अंतिम घंटे तक लगातार मेहनत करिएगा, पढ़ते रहिएगा। कितने घंटे आपके लिए जरूरी है, क्योंकि 6 से 7 घंटे 8 घंटे पढ़िएगा, कि 8 घंटे अगर आप औसतन पढ़ते हैं, 2 घंटा रिवीजन करते हैं, तो आपको एक सीट से कोई रोक नहीं सकता। सामान्य विज्ञान भी है, जीएसजी के यूपी स्पेशल है, मैथमेटिक्स है, हिंदी है, ग्राम विकास है, और इसके अलावा विविध के सिलेबस है, करंट अवेयरनेस है, इन सभी भी फोकस करना है। और हम ये कोशिश करेंगे हम आपको डे बाई डे मैराथन क्लास देंगे, क्योंकि मैराथन क्लास में सबसे बड़ा फायदा आपको ये होगा, हम एक साथ सारे सब्जेक्ट को रिवीजन कर लेंगे, और हम इसके तर्ज पर आपके लिए वीडियो लेक्चर लेके आएंगे, जो वीडियो लंबी होगी, 2 घंटे 2.5 घंटे के एक एक लेक्चर होगा। लेकिन उस लेक्चर का सबसे बड़ा आपको जो फायदा मिलेगा वो ये फायदा होगा कि एक ही साथ आपके पूरा जो पाठ्यक्रम है वो तैयार हो जाएगा, और आपको भटकना नहीं पड़ेगा, और इस 60 दिनों की एक रणनीति के साथ हम लोग पढ़ना शुरू करेंगे। और हम ये प्रयास करेंगे जो नोट्स आपको लेने में दुर्गेश से प्राप्त होने हैं, उसी नोट्स के मदद से हम आपको सीरीज आपको पढ़ा दें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, आप सभी का स्वागत है, वीडियो को शेयर करिएगा, आपके मन में कोई प्रश्न हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लीजिएगा, हम आपका जवाब देंगे। मेरी निःशुल्क क्लास देश हित में राष्ट्रहित में हमेशा की तरह रहेगी, और गेस्ट के रूप में मैं यहाँ भी पढ़ाता रहूंगा, फेसबुक पर भी क्लासेस चलती हैं। अच्छा, कुछ लोग कह रहे हैं नोट्स डेमो के लिए, हाँ इलेनी पे दुर्गेश को जो डेमो नोट्स है वो आपको टेलीग्राम पर मिलेंगे। टेलीग्राम पे कैसे मिलेंगे, टेलीग्राम ऐप इंस्टॉल करिएगा, सर्च करिएगा दुर्गेश सर, जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे, आपको सर्च क्या करना है, दुर्गेश सर, जैसे ही आप दुर्गेश सर सर्च करेंगे आपके सामने इलेनी पे दुर्गेश है, उसे ज्वाइन कर लीजिएगा। फेसबुक पेज इलेनी पे दुर्गेश, इंस्टाग्राम इलेनी पे दुर्गेश, ट्विटर इलेनी पे दुर्गेश, वहां पे भी आप जुड़े रहिएगा, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमारा करके दिखाना है। बहुत बहुत धन्यवाद, वीडियो को शेयर करिएगा, चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा, क्योंकि मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं गेस्ट के रूप में पढ़ाता हूँ, और अपना भी स्टडी रूम इस तरह से बनेगा जैसे यहाँ भी स्टडी रूम है, अपनी तैयारी करने के लिए डे बाय डे आपको तैयार करना है। 60 दिन बचे हैं आपके लिए, और ये 60 दिन आपके जीवन के सबसे बड़े निर्णायक हैं, और मेरी क्लासेस भी आप लोग को मिलती रहेंगी, और हम कोशिश करेंगे ज़्यादा से ज़्यादा आपको मैराथन क्लास देने का, क्योंकि मैराथन क्लास से आपके ढेर सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे और आप तैयारी के करीब पहुँच जाएंगे। तब सभी का पुनः बहुत बहुत धन्यवाद। कोई सवाल, कोई प्रश्न, सिलेबस के लिए वीडियो बना दूंगा, सिलेबस में क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या छोड़ना है, नोट्स को कैसे पढ़ना है, नोट्स के लिए मैं वीडियो जल्दी बना दूंगा, नोट्स घर बैठे मंगा लीजिएगा। सभी लोग इलर्निंग विद दुर्गेश के नोट्स सबसे बेस्ट नोट्स होते हैं, जैसे आपको भी पता होगा, तो घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं सभी लोग। थैंक यू सभी का, जय हिंद, जय भारत, बेस्ट ऑफ, वंदे मातरम। नोट्स घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं, सभी नोट्स कहीं भी पढ़िए, किसी से पढ़िए, बहुत सारी किताबें मोटी मोटी होती हैं, और किताबों को कम समय में पढ़ने के लिए अगर आपको चाहिए तो रिवीजन करने के लिए नोट्स लेके रखिए। किताबें पढ़ते रहिए, बहुत सारी किताबें मार्केट में, लेकिन साथ ही साथ नोट्स भी पढ़ते चलिएगा, अच्छा स्कोर देंगे आपको। Thank you.